अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हारून बेग शिब्रा और उसके घर वालों का नामो निशान मिटा देना चाहता है। वो शिब्रा को इतना मजबूर कर देना चाहता है कि शिब्रा खुद शामिर की जिंदगी से चली जाए, क्योंकि हारून बेग अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो शिब्रा से उन आंसुओं का बदला लेना चाहता है जो शिब्रा की वजह से महरीन की आंखों में आए। दाऊद सिकंदर जो इस गेम में पूरी तरह मुलव्वस है, वो हारून बेग के पास जाता है और उसको समझाता है कि वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी ना करे। अगर शामिर को इस बात का अंदाजा हो गया कि शिब्रा पर हमला करवाने वाला और सुलेमान को झूठे केस में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम हैं, तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी माफ नहीं करेगा और मैं इलेक्शन के दिनों में ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें हर हाल में इलेक्शन जीतना है, बाकी सब बातें बाद में। दाऊद सिकंदर की ये बात सुनकर हारून बेग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरी बेटी के आंसू मामूली हो सकते हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता हूँ। और शिब्रा जैसी मामूली लड़की को अपनी बेटी के रास्ते से और शामिर की जिंदगी से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तब दाऊद सिकंदर हारून बेग से कहता है, शिब्रा को मामूली लड़की समझने की तुम गलती कर रहे हो। वो तब तक मामूली थी जब तक वो शामिर की बीवी नहीं थी। वो शिब्रा को रास्ते से हटाना जितना आसान समझ रहा है, इतना आसान है नहीं। उसे शिब्रा तक पहुँचने से पहले शामिर का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता की इन सब में मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए तुम थोड़ा सब्र और तहमल का मुजाहरा करो। शिब्रा को मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। सो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या ट्रेजिक? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।